और अब आपको ले चलते हैं देश की राजधानी दिल्ली, जहां सीआर पार्क इलाके में दुर्गा पूजा बड़े ही धूमधाम के साथ हो रही है। यहां पर होने वाली दुर्गा पूजा में आपको बंगाल की कला, संस्कृति और खान पान के हर रंग देखने को मिलेंगे। यही वजह है कि हर साल की तरह इस साल भी यहां बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। देवी दुर्गा के एक से बढ़कर एक पूजा पंडाल, जहां दर्शन के लिए उमड़ी लोगों की भीड़। ये तस्वीरें बंगाल के किसी दुर्गा पूजा पंडाल की नहीं, बल्कि दिल्ली के सीआर पार्क इलाके की हैं, जिसे मिनी बंगाल भी कहा जाता है। यहां हर साल की तरह इस साल भी बड़े ही धूमधाम के साथ दुर्गा पूजा का पर्व मनाया जा रहा है। यहां आने वाले लोगों को बंगाल की कला और संस्कृति का हर रंग देखने को मिल रहा है। शुभ पूजा, बोलो दुर्गा माई की जय। तो दुर्गा पंडाल सज चुके हैं, पूजा पंडाल इस वक्त सज चुके हैं। हम लोग हैं इस वक्त मिनी बंगाल, जो कहा जाता है दिल्ली का सीआर पार्क, यहाँ पर मौजूद हैं। बहुत सारे लोग हैं, देखिए अलग ही रौनक होती है। पहले तो मुझे ये बताइए, आप सब लोग कहाँ से हैं? सीआर पार्क से हैं, बाहर से हैं? नहीं, हम नोएडा एक्सटेंशन से आए हैं, बट बीइंग बंगाली सीआर पार्क इज द मेन अट्रैक्शन फॉर अस अलोंग विद फूड, तो यहाँ आना तो मस्ट है, क्योंकि ये सबसे बड़ी अट्रैक्शन होती है दुर्गा पूजा की। स्पेशली अगर आप कोलकाता नहीं जा रहे हैं, अगर आप बंगाल नहीं जा रहे हैं, तो ये है मिनी बंगाल, जहां पर आके आप एंजॉय कर सकते हैं। आगे एक बार जरा माँ की मूर्ति भी दिखा दीजिए, किस तरीके से माँ का पूरा दरबार सज चुका है, पंडाल सज चुका है, इसकी खासियत क्या? अब इसमें भी वही, हमने जो एक ट्रेडिशनल हिंदू टेम्पल में होता है, मंदिर में, अगर आप कलकत्ता का भी देखें, दक्षिणेश्वर है और कालीघाट के मंदिर है, उसमें एक सभा मंडप होता है, उसमें उसी तरह ऊंचा वॉल्यूम होता है। यहाँ पे लोग ज्यादा से ज्यादा तादाद में आते हैं, यहाँ से कम शाम को 5-6 हजार लोग एक साथ खड़े होकर आरती देखते हैं, तो इसीलिए ये पूरे पैंडल का ही वही आर्च टाइप ऑफ फॉर्म दिया गया है। और माँ का जो हमारा जो एकशाला का है, क्योंकि काली मंदिर में सबसे ट्रेडिशनल मूर्ति बनाया जाता है हर बारी, बाकी पूजा में आप देखेंगे अलग अलग मूर्तियां होती हैं, इसको एकशाला कहते हैं, और हमेशा हम यहाँ पे यही ट्रेडिशनल मूर्ति, एकशाला मूर्ति, हाँ जी, ये सिंगल फॉर्म में होता है मूर्ति। सीआर पार्क के पूजा पंडालों में देवी माँ की भक्ति के साथ साथ लोगों को बंगाली खान पान के भी अनेकों जायके चखने को मिल रहे हैं। खाने के स्टॉल्स पर लोगों की ये भीड़ बंगाली फूड के प्रति लोगों की दीवानगी को बयां कर रही है। फेमस अब हम पहुंचे हैं बिरयानी स्टॉल पे। मैम आपका नाम क्या है? मैं रूमी। रूमी जी, आपने क्या क्या लगाया है? मैंने आज हिम कोना पाइश और चिकन बिरयानी लगाई है। क्या हिम कोना पाइश, वो क्या होता है? इसमें खोए का और ड्राई फ्रूट डाल के इसके बॉल बनाए गए हैं, और इसी में बंगाली एक चावल आता है गोबिंद भोग, वो स्पेशली कोलकाता में ही मिलता है। यहाँ पर नॉन वेज में बिरयानी मिलेगी, इसके अलावा आपको प्रॉन कटलेट्स मिलेंगे। बेकरी आइटम्स यहाँ पर बहुत ज्यादा होती हैं, अलग अलग तरह के केक्स, पेस्ट्रीज, डिफरेंट वैरायटी ऑफ केक्स एंड पेस्ट्रीज यहाँ पर आपको मिलेगी, क्योंकि इसकी एक बेकिंग की एक अलग कैटेगरी है। इसके अलावा फिश जो कि बंगाल की है, फिश शॉप है, चिकन है, फिश फ्राई आपको मिलेगी, घुगनी दो तीन तरह की है, और घुगनी यहाँ पर आप ले सकते हैं। जो लोग किसी कारण बंगाल जाकर दुर्गा पूजा का आनंद नहीं उठा सकते हैं, उनके लिए दिल्ली के सीआर पार्क इलाके में बंगाली दुर्गा पूजा को करीब से देखने और उसमें शामिल होने का बेहतर विकल्प है।